फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सबसे अच्छा कार पॉलिश कौन सा है? आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ, मैं वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। पर वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं माय अमेजिंग कार्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक साथ ही साथ एक ऐसा स्क्रेच रिमूवर बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे आपकी कार के स्क्रेचेस भी रिमूव कर सकते हैं। तो आइए कार पॉलिश की बात करते हैं। मैं कार को पॉलिश करने के लिए एक वैक्स का यूज करता हूं जिसका नाम है फॉर्मूला वन कार। सो फ्रेंड्स, इसे कैसे यूज करते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है आपका फॉर्मूला वन वैक्स। इसे ओपन करके देखते हैं हम। इसमें एक स्पंज आता है जिससे आप वैक्स को कार पर अप्लाई कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से वैक्स दिखता है। ये एक क्रीम फॉर्म में आता है वैक्स। कुछ इस तरीके से आप स्पंज पर वैक्स लीजिए, अपनी कार पर थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर लगाइए और उसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते जाइए। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो बताता हूँ। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कुछ इस तरह से इसे अपनी पूरी कार पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में आप इसे अप्लाई कीजिए जिससे अच्छी तरह फैल जाए। इसके बाद आप माइक्रोफाइबर टॉवल या माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकर उसे 3 से 4 मिनट सूखने के बाद पोंछ दे। अभी गर्मी का सीजन है गाइस, इसलिए ये जल्दी सूख जाता है वैक्स, तो आप 2 से 3 मिनट में ही इसे पोंछ सकते हैं। कुछ इस तरीके से रब कीजिए ऐसे हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं मैं भी कुछ इसी तरह से रब कर रहा हूं। ये समर में आपकी कार के पेंट को बचा के रखता है और रेनी सीजन में खराब नहीं होने देता। अब मैंने जिस तरह के माइक्रोफाइबर का कपड़ा लिया है, बस इसे मैं हल्के हाथों से साफ कर दूंगा उस वैक्स को। आप देख सकते हैं कि ये शाइन आना शुरू हो गई है। आप भी कुछ इस तरह से अप्लाई करके माइक्रोफाइबर से आप उस वैक्स को साफ कर दीजिए। यह पूरी प्रोसेस होने के बाद कार आपकी नई जैसी चमक उठती है। मैं आपको एक बार पूरा बोनट दिखा देता हूं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि कार के बोनट पर कांच जैसी शाइन आ चुकी है, पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है। यह वैक्स बहुत लंबे समय तक काम आता है गाइस। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप आपकी कार को पॉलिश कर सकते हैं जिससे आपकी कार समर में, रेनी सीजन में, दोनों सीजन में बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। उसका पॉलिश बहुत अच्छे से, कलर भी मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ आप स्क्रेच रिमूवर की बात करते हैं, तो मैं जो स्क्रेच रिमूवर यूज करता हूँ वो है शिबा का प्रोफेशनल स्क्रेच रिमूवर। ये एक तरीके का रबिंग कंपाउंड है जिसे आप स्क्रेच पर लगाकर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से रब करें और उसे पानी से धो डाले। फिर उसे उसी स्क्रेच पर आप वैक्स लगाइए तो पूरा स्क्रेच गायब हो जाता है, पूरी गाड़ी नई जैसी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।